स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर टा में। दोस्तों अगर आप एक कम रिस्क वाले बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर लमसम पैसे निवेश करते हैं और बैंक FD से ज़्यादा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन ऐसा होता है जहां पर आपके पैसे को इक्विटी के अलावा डेट फंड में भी निवेश किया जाता है। अगर आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड प्लान चुनते हैं जिसमें पैसे को डाइवर्सिफाई किया गया हो इक्विटी और डेट फंड के अंदर, तो कम रिस्क के साथ भी आप एक अच्छा फंड बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मानना होता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर सारा पैसा इक्विटी में जाएगा तो रिस्क बढ़ जाएगा, लेकिन सच ये है भी ऐसा ही होता है। क्योंकि इक्विटी में अगर पैसा डालते हैं आप तो स्टॉक मार्केट का रिस्क जरूर रहता है, लेकिन अगर आप अपने पैसे को निवेश करते हैं इक्विटी के अलावा डेट फंड में भी तो आप एक बेहतरीन फंड बना पाते हैं। अब दोस्तों ज्यादातर फंड या तो आपको डेट फंड मिलते हैं या फिर इक्विटी फंड, लेकिन ICICI का एक ऐसा फंड है जिसके अंदर डेट और इक्विटी दोनों के अंदर पैसे को निवेश किया जाता है और इस फंड के अंदर हमें रिटर्न एक स्टेबल मिला है और लगातार इस फंड के अंदर हमें कच्ची ग्रोथ भी मिल सकती है। तो इस बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर हम बैंक FD की तरह अपने पैसे डालते हैं 2 लाख रुपए और हमारा टारगेट अगर लॉन्ग टाइम पैसे निवेश करने का है तो फिर इस 2 लाख से हम 2,86,00,000 रुपए तक फंड बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर हम स्टार्टिंग टाइम में पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ से हमें एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। क्योंकि अगर हम अभी करंट की बात कर लें तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपके पास एक मौका बनता है पैसे को निवेश करने का, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी आपको यहां से एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। लगातार 4 साल से मार्केट में एक अच्छा बाउंस है जिसका फायदा आज आप पैसे को निवेश करके भी उठा सकते हैं। अभी सारे फंड टॉप लेवल पर हैं, लेकिन कुछ फंड ऐसे भी हैं जिसमें अभी आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो अगर आप एक ऐसे ही म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर लमसम पैसा डालते हैं और आपका फ्यूचर का एक बड़ा टारगेट है पैसे को निवेश करके बनाने का, तो फिर आपके पास कुछ ऐसे फंड आज भी मौजूद हैं जहां पर आप अपने पैसे को निवेश करके एक बेहतरीन फंड बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम उससे 10 साल पहले की बात करते हैं तो लोग म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पैसे को निवेश करने से डरते थे, उन्हें लगता था कि यहां पर पैसे पर रिस्क ज्यादा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आप आज पैसे को निवेश करते हैं तो फिर कम रिस्क के साथ आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, और लगातार लोगों ने 10 साल म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे को निवेश करके एक बड़ा फंड बनाया भी है। लेकिन दोस्तों 4,500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड प्लान हमें मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लान जिसके अंदर हम निवेश करके एक बेहतरीन फंड बना पाए तो आपके पास ICICI का ये फंड काफी बेहतरीन रह सकता है जहां पर आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल समझेंगे इस फंड की और देखेंगे कि अगर आप 2 लाख रुपए निवेश करते हैं, कम रिस्क लेते हैं, उसके बाद भी आप 2 करोड़ से ज्यादा का फंड बनाना चाहते हैं तो इस फंड के अंदर आपको कैसे मिल सकता है, पूरी डिटेल्स के साथ देखेंगे वीडियो में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फंड की। तो फंड हमारे पास ICICI ग्रुप का इक्विटी एंड डेट फंड जिसकी हम बात कर रहे थे, यानी कि इस म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर जो पैसा है वो इक्विटी के अलावा डेट फंड में भी निवेश किया गया है, जिसकी वजह से इस फंड के अंदर रिस्क काफी कम हो जाता है। और ओवरऑल अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो वो इस फंड ने हमें काफी जबरदस्त बना कर दिया है। फंड का एनुअलाइज्ड रिटर्न है 18.72%, यानी कि लगातार इस फंड के अंदर हमें एक शानदार ग्रोथ मिली है और 18% से ज्यादा रिटर्न इस फंड ने हमें बना कर दिया है। लेकिन पिछले 5 साल की बात करें तो रिटर्न 24.97%, लास्ट 3 ईयर में 24.03%, लास्ट 1 ईयर में 37%, और लास्ट 6 मंथ में भी फंड ने 14.43% का रिटर्न दिया है, जबकि 1 महीने में भी फंड का रिटर्न करीब 1.5% से ज्यादा है। यानी दोस्तों अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो इस फंड ने लगातार हमें साल दर साल की बात करें हम या फिर एनुअलाइज रिटर्न ऑल टाइम की, हमेशा एक बेहतरीन रिटर्न मिला है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें फंड में 18% का रिटर्न मिलता है, और दोस्तों यहाँ पर फंड में 18% का रिटर्न अगर हमें मिलता है, 2 लाख रुपए इस फंड के अंदर हम डालते हैं और यहाँ पर हम अपने पैसे को निवेश करने का जो टारगेट है वो रखते हैं स्टार्टिंग सिर्फ 6 साल का, तो 6 साल में इस 2 लाख रुपए से हम 5,39,000 का फंड बनाएंगे, 3,39,000 का इसमें रिटर्न हमें मिल जाएगा। जबकि अगर हम पैसे को 12 साल तक के लिए डालते हैं तो 2 लाख रुपए का निवेश करके 14,57,000 का फंड बनाएंगे और 12,57,000 का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम पैसे को डालते हैं 18 साल के लिए तो फिर हम यहां पर इस 2 लाख रुपए से 39,34,000 रुपए का फंड बनाएंगे और 37,34,000 का रिटर्न होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम पैसे को 24 साल तक डालते हैं तो फिर हम 2 लाख रुपए का निवेश करके 1,06,00,000 रुपए का फंड बनाएंगे, 1,04,00,000 का इसमें रिटर्न होगा। और दोस्तों अगर 30 साल की बात की जाए तो फिर यहाँ पर हम इस 2 लाख रुपए को निवेश करके भी 2,86,00,000 रुपए तक फंड बना सकते हैं और 2,84,00,000 का रिटर्न इस फंड के अंदर हमें मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है फंड का पोर्टफोलियो। यहाँ पर दोस्तों अगर हम सबसे पहले इक्विटी की बात करते हैं तो कुल मिलाकर 183 इंस्ट्रूमेंट में पैसे को डाला गया है। इसमें अगर हम टॉप इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें कुछ इक्विटी स्टॉक हैं,
जैसे कि HDFC, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, HDFC, मारुति सुजुकी इंडिया। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में भी पैसे को निवेश किया गया है, यानी पैसे को इक्विटी के अलावा डेट फंड में भी डाला गया है, जिसकी वजह से फंड के अंदर कम रिस्क के साथ रिटर्न काफी बेहतर मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंड के अंदर सिर्फ 69% यानी करीब 70% पैसे पर ही रिस्क है जो पैसा इक्विटी में निवेश किया गया है, बल्कि 21% पैसे को डेट फंड में डाला गया है, जिससे फंड के अंदर रिस्क काफी कम हो जाता है। कैश में फंड का 6.6% पैसा यूज किया गया है। दोस्तों इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 24%, एनर्जी सेक्टर के अंदर 19%, अदर सेक्टर की कंपनीज में 12%, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज सेक्टर के अंदर फंड के ज्यादातर पैसे को निवेश किया गया है। यानी यहाँ पर जितने भी सेक्टर हैं दोस्तों बेहतरीन सेक्टर हैं जिनके अंदर फंड के ज्यादातर पैसे को निवेश किया गया है। इसके अलावा दोस्तों फंड के NAV नेट एसेट वैल्यू का प्राइस है 419 यानी कि 419 रुपए, क्योंकि हम लमसम जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं और जो भी करंट NAV का प्राइस होता है इसके हिसाब से हमें यूनिट मिलती है। प्रॉफिट लॉस भी हम इसी पर ट्रैक कर पाते हैं। रेटिंग 5 है, 39,090 रुपए फंड का UM है। फंड के अंदर SIP में 100 रुपए, लमसम में 5,000 रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों अगर रिस्क की बात की जाए तो यहाँ पर फंड का बीटा सिर्फ 0.70 है, यानी कि 1 से काफी कम। इससे पता चलता है कि इस फंड के अंदर कम रिस्क के साथ हमें जो प्रॉफिट है वो काफी बेहतर मिला है। और दोस्तों फ्यूचर में भी यहाँ पर इस फंड के अंदर हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि फंड का पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं फंड के खर्चे एक्सपेंस रेशियो की तो यह है 0.99% का, यानी कि हम लमसम जो पैसा निवेश कर रहे हैं एक्सपेंस रेशियो काटकर NAV के प्राइस से यूनिट लॉट की जाती है। जबकि यहाँ पर एग्जिट लॉट की बात करें, आप जो भी अपना पैसा निवेश कर रहे हैं 365 दिन से 30% रिटेन करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लॉट चार्ज देना होता है। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न पर टैक्स है 20% 1 साल से पहले, लेकिन 1 साल के बाद 125,000 से ज्यादा प्रॉफिट पर आपको 12.5% का LTCG टैक्स देना होता है। फंड मैनेजमेंट टीम की बात करते हैं तो श्री शर्मा 2021 से और शर्मिला 2024 से फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम ICICI प्रू म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं तो एसेट के हिसाब से रैंक 3rd नंबर पर है। 1993 में फंड हाउस स्टार्ट हुआ था और 7,81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस फंड के पास UM भी है। तो दोस्तों ICICI के इस बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर हम अपने पैसे को निवेश करते हैं और यहाँ पर अगर हमारा टारगेट एक बड़े फंड बनाने का है तो फिर हम इस फंड के अंदर 18% रिटर्न पाकर भी 2,00,000 रुपए निवेश करके एक बेहतरीन फंड बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत करेक्शन आपको मिल सकता है। टारगेट अगर 8 से 10 साल पैसे निवेश करने का होगा तो फिर आप इस टारगेट को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।